इफ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट, या फिर आप अगर कोई नया पप लेके आए हैं या कोई नया पप लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उन बीमारियों के लिए हम ऑलरेडी वैक्सीनेशंस भी करते हैं, जैसे 5 in 1, 7 in 1, 9 in 1। एंड ये बीमारियां आपके पेट के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा भी होती हैं। वो बीमारियां कौन सी हैं? वो है केनाइन डिस्टेंपर एंड केनाइन पार्वोवायरस। अब केनाइन पार्वोवायरस के रिगार्डिंग तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और केनाइन डिस्टेंपर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पेट को कंफर्म कैसे होगा आपको कि आपके पेट को केनाइन डिस्टेंपर है? तो इसके लिए क्या है कि मार्केट के अंदर किट टेस्ट्स अवेलेबल हैं, बट ये जो किट टेस्ट्स होते हैं इतने रिलायबल नहीं होते हैं, इनके अंदर फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है। मतलब कि आपके पेट को केनाइन डिस्टेंपर होता है, बट फिर भी स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेजेस के अंदर ये जो किट टेस्ट्स होते हैं ये नेगेटिव शो करते हैं। इसके अलावा एलाइजा बेस्ड टेस्ट आते हैं, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट इनकी जो रिलायबिलिटी है ये 99% तक आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं और हमको बताते हैं एक्यूरेटली कि आपके पेट को केनाइन डिस्टेंपर है या नहीं है। इसके अलावा आप सिम्टम्स से जनरली हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर सिम्टम्स के बेस पे हमको पता चल सकता है कि अगर ये सभी सिम्टम्स आ रहे हैं या सेट ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपके पेट को केनाइन डिस्टेंपर है, बट फिर भी आप खुद ब खुद कुछ कोशिश नहीं करेंगे आपके पेट की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि केनाइन डिस्टेंपर है कि जानलेवा बीमारी है। अगर आप खुद कोशिश करते हैं घर पे ट्रीटमेंट करने की, तो हो सकता है कि आप अपने पेट की लाइफ के साथ खेल रहे हैं उस टाइम पे, और आपकी पेट की लाइफ आप शायद बचा भी ना पाए। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि कुछ भी इस तरीके के सिम्टम हैं, तो आप हमेशा अपने घर के नजदीकी जो वेटनरी डॉक्टर होंगे उनको कंसल्ट जरूर करेंगे। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम इन्वॉल्व, मतलब जिस तरह के साइंस आ रहे हैं, जिस तरह का सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जिस डॉग को केनाइन डिस्टेंपर हो उसको ये सभी तरह के सिम्टम्स आए, हो सकता है कि कुछ तरह के सिम्टम्स आएंगे और कुछ तरह के सिम्टम्स नहीं आएंगे। और हम जो ट्रीटमेंट है, हम डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के सिस्टम आ रहे हैं, सिम्टम आ रहे हैं, उसके बेस पे भी ट्रीटमेंट करेंगे। प्लस जो ये वायरस है, वायरस को डायरेक्टली वायरस के अगेंस्ट भी ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर सपोज कोई मान लीजिए जीआईटी फॉर्म है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फॉर्म है, जिसके अंदर डायरिया या वोमेशन आ रही थी, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए रेस्पिरेटरी फॉर्म इन्वॉल्व है, जिसके अंदर कफिंग या छींकें आ रही हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अब सपोज कीजिए कोई सीजर्स हैं, मतलब जैसे कोई दौरे पड़ रहे हैं, तो हम दौरों के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, तो उसी के बेस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इस वायरस को डायरेक्टली मारने के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एनिमल की जो फैट की आपकी बॉडी है उसको हम ज्यादा से ज्यादा देर तक जिंदा रख सकें, और वो खुद ब खुद उस वायरस के लिए अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाए और उसे लड़े। लेकिन मार्केट के अंदर एट प्रेजेंट अगर कुछ अवेलेबल है जिस जो कि हम डायरेक्टली वायरस को मारने के लिए दे सकते हैं, वो है एंटी डिस्टेंपर सीरम। और जो एंटी डिस्टेंपर सीरम है, ये डायरेक्ट एंटीबॉडीज हैं जो कि हमारी बॉडी बनाने में कुछ टाइम लगाती है, बट हम मार्केट में अभी डायरेक्टली एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं, जो कि आप अपने पेट को लगा सकते हैं, उससे कि उसकी रिकवरी जो है बहुत जल्दी हो जाती है। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये बहुत ज्यादा थोड़ी आप कह रहे थे कॉस्टली होती है, जिसके लिए जिसकी वजह से जो पेट पेरेंट्स है वो इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन। आप अपने पेट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि उसको ये बीमारी हो ही ना? तो सबसे इजी वे जो है वो है वैक्सीनेशंस। जो भी अवेलेबल है 5 in 1, 7 in 1, 9 in 1, या आप जो से मर्जी भी लगा रहे हैं, उसके अंदर केनाइन डिस्टेंपर के लिए हम वैक्सीन होती ही होती है। तो अगर आप अपने पेट को सपोज अगर आप अपना पेट जल्दी ले आए हैं, जो 38 डेज की एज है, तो 30 डेज की एज पे भी उसकी वैक्सीनेशन हो सकती है। वो जो होता है वो पपी डीपी होता है। पपी डीपी के अंदर बेसिकली दो ही डिजीजेस के लिए वैक्सीन होती है, वो है डी से डिस्टेंपर एंड पी से पार्वो। तो क्योंकि ये दो ही जो बीमारियां हैं बहुत ज्यादा जानलेवा और हमारे कॉन्टिनेंट लाइक इस पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा फैली भी हुई हैं, तो इसके लिए प्रिवेंशन लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। सेकंड थिंग इज जिन पप्स में अपने लाइफ के इनिशियल डेज के अंदर मदर मिल्क पिया होता है, मतलब माँ का दूध पिया होता है, उनके अंदर 6 से लेकर 8 हफ्ते तक के लिए इस बीमारी के लिए पहले से ही बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है। मतलब जिन पप्स ने अपना मदर मिल्क पिया होगा स्टार्टिंग के डेज में, उनको 6 से 8 हफ्तों तक ये बीमारी हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा अगर सपोज आपके पेट को खुदा ना खास्ता ये बीमारी हो गई है, तो आप अपने घर की सफाई जो है वो 0.1% फॉर्मलिन या 0.5% फिनॉल के साथ कर सकते हैं। अब इस कंसेंट्रेशन को यूज कर आप बड़े इजिली इस वायरस को मार सकते हैं, क्योंकि जो ये वायरस है ये बाहर इन्वायरमेंट के अंदर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है, मेनली डायरेक्ट सनलाइट से, या फिर ये जो मैंने आपको बताया 0.1% फॉर्मलिन और 0.5% फिनॉल, इसकी हेल्प से आप इस वायरस को बहुत इजिली मार सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा और आपको लगा कि इस वीडियो के कंटेंट से आपकी हेल्प हुई है, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर। एंड मैं ऐसे ही रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस अपडेट करता ही रहता हूँ, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
और अगर आपके मन में आपके पेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।